पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभाकर पांडे लेकर आया हूँ आज का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि वालों, तुला में चंद्रमा के प्रवेश के साथ आज नए लोगों से मिलने और उनसे दोस्ती करने के लिए एक उत्कृष्ट दिन हो सकता है। आज किसी विशेष से मिलना भी संभव है, जो संभावित जीवन भागीदार हो सकता है। ज्योतिषी यह भी सुझाव देते हैं कि कुछ बदलाव करने के लिए यह सही दिन है। इसे एक रात कॉल करने से पहले एक परिवार के सदस्य के लिए समय बनाए, जिससे आपने लंबे समय तक नहीं देखा है। उनके समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करें। यदि आपके पास दिन के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण निर्धारित है तो इसे शाम 4:15 के बीच का करें तो बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। और क्रिम्सन रेड रंग आज आपका भाग्यशाली रंग है। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। प्रिय वृषभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन को और ज़्यादा आनंदित कर देगा। जीवन में अधिक सकारात्मक होंगे, अपनों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है। ज्योतिषी के अनुसार 3:30 से 5:50 तक का समय आपके कैरियर में नए और आवश्यक कार्यों को करने के लिए यह सबसे अच्छा है। साथ ही आज आपके लिए लकी कलर है डार्क ब्लू। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने विचारों पर नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश। ज्योतिषी के अनुसार आप अपनी भावनाओं को बहकावे में ना आएं, इसकी बजाय आप समझदार और व्यवहारिक बनें और विश्वास रखें। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों पक्षों में ही तर्क वितर्क का समय नहीं है। यह एक अस्थायी समय है जो बहुत ही जल्द बीत जाएगा। आज आपको संयम दिखाने की आवश्यकता है, जिसके जरिए आपको शांति मिलेगी। गुलाबी रंग आपको शांत रखने में सहायता करेगा, इसलिए गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो शाम 7:00 से 8:30 के बीच में करें, बहुत ही शुभ समय है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन उन लोगों की सेवा करने के लिए अच्छा होगा जो आपकी परवाह करते हैं। कोई परिस्थिति आप पर हावी हो सकती है। अपने परिवार का ध्यान रखें, जो आप चाहते हैं वैसा ही करें। आपके मित्र और परिवार आपके स्वभाव को पसंद करते हैं। ज्योतिषी के अनुसार हल्का हरा रंग आज आपका लकी कलर है। सुबह 9:00 से 10:00 के बीच का समय आपको अनुकूल होगा। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। प्रिय सिंह राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण कुछ तनाव हो सकता है, जिससे आप थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे। यह समय आपकी मेहनत का फल पाने का है। धन, मान्यता और सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। यह आपके रास्ते में आने वाली हर चीज़ का आनंद लेने का समय है। आपने उन सभी पुरस्कारों के लिए कड़ी मेहनत की है। आज के दिन का आनंद लें। ज्योतिषी के अनुसार गुलाबी रंग आज आपका लकी कलर हो सकता है। दोपहर 2:00 से 4:00 के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। प्रिय कन्या राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपका मूड खराब हो सकता है। शांत रहने की कोशिश करें। आपके आसपास के जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सकते हैं, कुछ समय अकेले बिता सकते हैं। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आप खुश मिजाज होंगे। ज्योतिषी के अनुसार 2:15 से 5:00 का बीच का समय आपके लिए लकी होगा। ग्रे आज आपका लकी कलर है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके विचार और भावनाएं काफ़ी बदलती नजर आएगी। अपनी इच्छाओं को आज आप पूरा करना चाहेंगे। आप अपने लिए बड़े सपने देख सकते हैं। ऐसा है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, सही कदम की दिशा में किए गए नए प्रयास फलदायी साबित होंगे। स्पष्टता के साथ काम करें। ज्योतिषी के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, साथ ही पौधे भी लगा सकते हैं। सुबह 11:00 से 1:00 का बीच का समय आपके लिए लकी होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक,
मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है, इसी वजह से आपको अज्ञात कारण के जरिए आपको तनाव मिल सकता है, लेकिन आपको नकारात्मक भाव से लड़ने की आवश्यकता है और इन सभी चीज़ों से खुद को बाहर निकालें। हालांकि इस तनाव का कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने का प्रयास करें और अपनी प्रतिक्रिया ना होने दें। समस्याएं जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती है, उन्हें सुधारने के लिए हमें ही काम करना पड़ता है। ज्योतिषी का सुझाव है कि मन की स्थिति को संतुलन बनाए रखें, इसके जरिए आप आसानी से काम कर पाएंगे। अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से 3 बजे का समय बहुत ही भाग्यशाली है। आज दिन के लिए धूसर रंग के वस्त्र पहनने से आपको सौभाग्य और समृद्धि मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। प्रिय धनु राशि के जातक, आज आपके परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है। चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में होने के कारण आपकी निजी जिंदगी में कुछ जरूरी बदलाव लाएगा। ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि अपने पारिवारिक फैसलों का सही इस्तेमाल कर आप अपनी प्रगति में और बेहतरीन हासिल कर सकते हैं। उन सबसे अच्छी सलाह लें। आपका परिवार आपके लिए सबसे बेहतर पथ प्रदर्शक है, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपसे बहुत प्रेम करता है तथा आपको जीवन में कामयाबी हासिल करते हुए देखना चाहता है। अपने परिवार की इज्जत करें तथा उनकी बातों को अत्यधिक धीरज के साथ सुने। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप आज के दिन का सही से इस्तेमाल करें तो शुभ अवसर के लिए आज का नीला रंग पहनने, क्योंकि ये रंग आज आपके लिए शुभ है। आज के लिए आपका शुभ समय 4 बजे से 6 बजे का बीच का होगा। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। प्रिय मकर राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज भाग्योदय हो सकता है। आप में से कुछ काफ़ी आशान्वित और आशावादी महसूस कर सकते हैं। नई शुरुआत और उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बहुत अधिक है। आपका जीवन एक नया मोड़ ले सकता है, बस धैर्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी के अनुसार पेस्टल रंग आज आपका लकी कलर माना जा सकता है। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे का बीच का समय खुशहाली मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आम तौर पर अपने रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं और कठिनाइयों के कारण निराश हो सकते हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद कोई हल नहीं मिलेगा। आपको हार नहीं माननी चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको अनावश्यक रूप से निराश नहीं होना चाहिए, आप शांत और धैर्यवान रहें। ज्योतिषी के अनुसार बाधाओं से बचने के लिए सुबह 10 बजे से 11:30 का बीच का समय जरूरी काम कर सकते हैं। नीला आज आपका लकी कलर होगा। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि के बारे में। प्रिय मीन राशि के धारक, क्योंकि आज चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, आप थोड़ा व्याकुल महसूस करेंगे। शुरुआत के लिए आपको कोई भी कारण ढूंढना होगा जिसके कारण आप उन लोगों पर भरोसा करने से हिचकिचा रहे हैं जिनके बारे में आपको पता ही कि आपको प्यार करते हैं आप, जबकि अपने परिवार और करीब दोस्तों के भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप खुद को उनके सामने चौकन्ना रखते हैं या फिर उन्हें शक की नज़रों से देखते हैं तो आज आपका दिन है जानने का, क्योंकि सुझाते हैं ज्योतिषी आपको एहसास होगा कि ये मात्र आपकी असुरक्षा है जो आपको ऐसा मानने में मजबूर कर रही है। ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आपको खुद पे थोड़ा भरोसा रखना शुरू करना होगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को दिन के 1 से 3 बजे के बीच का करें। किसी भी प्रकार से गुलाबी रंग पहनने से परहेज करें। तो फिलहाल इस राशिफल में बस इतना ही। आगे के राशिफल जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।